दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने एप्पल इंग्लिश क्लासेस की तरफ से। आज मैं आपको एक नया टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका उपयोग हम अपने लैंग्वेज में कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हिंदी में एक जैसे जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस साउंड करता है वैसे ही होता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से इसका यूज़ करते हैं। हिंदी में अगर जो बोलना है कि मैं लिख रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर तो उसी को हमको ये बोलना है कि मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ, कई घंटों से लिख रहा हूँ, कई सालों से लिख रहा हूँ, हमारे कहने का मतलब अगर तो उसमें टाइम फैक्टर लगा दिया जाए तो इंग्लिश में वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। इस टेंस का उपयोग हम करते हैं कोई भी काम जो पहले से शुरू हुआ हो, अभी चल रहा हो और आगे भी चलने वाला हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। मैंने लिखा है दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन टू द फ्यूचर। मीन्स कोई काम पहले से शुरू हुआ और आगे भी भविष्य में भी चलने वाला हो या किया जाने वाला हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी में दोनों एक जैसे ही आवाज़ करते हैं, मैं लिख रहा हूँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम राइटिंग। लेकिन अगर ये बोलना है कि मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ, कई घंटों से लिख रहा हूँ, तो जब इसमें बहुत देर से, कई घंटों से, कई दिनों से और कई महीनों से जब ऐसे शब्द का उपयोग हो जाता है तो हम उसको इंग्लिश के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में न यूज़ करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। हम उसको ऐसे, मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये गलत है, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट और कोई नाम है तो आप हैज लगाओगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर जो आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा, प्लस बीइंग आपको लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, साथ में टाइम लगाने के पहले अगर जो डेफिनेट टाइम है तो आपको सिंस लगाना पड़ेगा, अगर जो इनडेफिनिट टाइम है तो आपको फॉर लगाना पड़ेगा। डेफिनिट टाइम के बारे में आप जानते हैं, निश्चित दिन, महीना, साल, घंटे, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं, और जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है कई दिनों से, कई महीनों से, कई घंटे से, दो घंटे से, चार घंटे, तो उस समय हम फॉर लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट हैज और हैव, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम लगाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको बोलना है कि मैं दो महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, अब इसमें जब दो महीना आ गया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको इसको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। अगर तो केवल ये रहता कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो आप बोल सकते थे आई एम लर्निंग इंग्लिश, लेकिन जब आपको ये बोलना कि मैं दो महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ तो इसमें दो महीना है तो आपको आई के साथ हैव लगाना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बीन लगाना ही पड़ेगा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू मंथ्स, फॉर लगाएंगे दो महीना। अगर वही जनवरी होता तो सिंस जनवरी हो जाता, सवेरे से होता तो सिंस मॉर्निंग हो जाता, 2007 से तो सिंस 2007, तो आपने क्या बनाया उसको, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू मंथ्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे बोलना है आपको कि वह सवेरे से कमरे में बैठा है, अब यहाँ गया सवेरे से, कभी कभी रहा है, रही है, ना होकर के भी जैसे बैठा है, खड़ा है, ये भी कंटिन्यूअस टेंस होता है।
तो अगर आपको बोलना है कि वो सवेरे से कमरे में बैठा है तो ही के साथ क्या लगेगा, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ आपको हैज लगाना पड़ता है। तो आप क्या बनाओगे, ही हैज बीन सिटिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्टली टाइम है तो आप फॉर्म में लगा करके आप क्या लगाएंगे सिंस, तो क्या जाएगा ही हैज बीन सिटिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। तो ये इसका पॉजिटिव हो गया। अब इसके निगेटिव बनाते हैं कि निगेटिव कैसे इसका बनाया जाता है। निगेटिव बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट हैजन, हैज और नॉट के साथ जब जोड़ेंगे तो क्या होगा हैजन, हैज के साथ नॉट लगाएंगे तो हैवन, बाकी वही बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बोलना है कि मैं 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, सीख रहा हूं पॉजिटिव था और नहीं सीख रहा होगा तो निगेटिव, तो आपको आई के साथ क्या लगाना है, हैव के साथ नॉट जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा आई हैवेंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, आई हैवेंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। आप हैव और नॉट को अलग भी करके बोल सकते हैं, तो आप कर सकते हैं आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोलना है कि वह सवेरे से कमरे में नहीं बैठा है, तो आप क्या बोलोगे ही हैजंट बीन सिटिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग, या ही हैज नॉट बीन सिटिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन फॉर्म, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, स्टार्टिंग किससे होता है, क्या से शुरू होता है। तो जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम बी फॉर्म को पहले ले आते हैं। बी फॉर्म क्या होता है, इज एम आर वॉज वेयर कैन कुड हैज हैड, ये सारे बी फॉर्म है, तो इसको आपको पहले लगाना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हैज और हैव पहले लाएंगे, उसका सब्जेक्ट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ फॉर और टाइम। चलिए इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप बोलना है कि क्या तुम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो, क्या पहले आ गया, क्या तुम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो, तो तुम है यू के साथ आप हैव लगाओगे बी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। चलिए दूसरे को बनाते हैं कि क्या वह सवेरे से कमरे में बैठा है, तो क्या होगा हैज ही बीन सिटिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। अब आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि क्या से शुरू हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसके साथ निगेटिव भी हम लगाते हैं नहीं के साथ। जैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम 2 प्रकार से बनाते हैं, हम 2 तरह से बोल सकते हैं। एक तो हैजंट और हैवंट को पहले लेके आएंगे, और दूसरा क्या होगा हैज और हैव के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लेकर के आते हैं। तो कैसे इसका बनाते हैं, चलिए हम इसको एक बार ट्राई करते हैं। अभी देखिए जैसे बोलना है कि क्या तुम 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, क्या तुम 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, तो क्या बोलोगे, 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला क्या होगा हैवंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, हैवंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हैवंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। और दूसरा तरीका क्या है, जिसमें हम हैज और हैव, जैसे मैंने बताया कि हैज और हैव सब्जेक्ट उसके बाद नॉट ले आते हैं, तो क्या होगा हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव की। अभी मैंने आपको इसका पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी रहा है रही के साथ जब टाइम फैक्टर आ जाए 2 महीने से कई दिनों से, तो आपको सिंस ऑफ फॉर लगाना पड़ेगा, साथ में आपको हैज और हैव बीन और वर्ड के फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया है उस हिसाब से आपको यूज करके बोलना पड़ेगा। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे WH फॉर्म से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। WH फॉर्म में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं मैं इसके बारे में बताता हूँ।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसका स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच फॉर्म का मतलब आप समझते होंगे, वाई वेयर हुम हूज हाउ व्हेन, ये सारे डब्ल्यू एच फॉर्म होते हैं। यानी जब हिंदी बोलते समय जब क्या क्यों कैसे कब जब बीच सेंटेंस के बीच में आता है, तुम कब, वह कैसे, वह कहाँ, तो ये डब्ल्यू एच फॉर्म में इसको हम इसका सेंटेंसेस बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डब्ल्यू एच फॉर्म में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि डब्ल्यू एच फॉर्म यानी कि जब व्हेन कहाँ है तो वेयर होगा, कब होगा तो व्हेन होगा, तो ये डब्ल्यू एच फॉर्म पहले आएगा, उसके बाद हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज और हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ फार और टाइम, जैसे कि मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ। तो ये इसका स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच फॉर्म का। अब ये डिपेंड करता है कि डब्ल्यू एच फॉर्म कौन सा आपका लगाना है। कुछ डब्ल्यू एच फॉर्म ऐसे होते हैं जिसको हम अलग तरीके से यूज करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। जैसे एक सेंटेंस है, वो औरत अपने नौकर के ऊपर सवेरे से क्यों चिल्ला रही है, तो यहां डब्ल्यू एच फॉर्म आ गया क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हम वाई से शुरू करेंगे। हिंदी में क्या सेंटेंस था, वो औरत अपने नौकर के ऊपर सवेरे से क्यों चिल्ला रही है। दो चीजों का ध्यान देना है, एक तो डब्ल्यू एच फॉर्म क्या है वाई, दूसरा सवेरे से एक डेफिनेट टाइम है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे सिंस, चिल्लाने की इंग्लिश क्या होती है शाउट, जिसमें हम आई एन जी लगाते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई हैज दैट लेडी बीन शाउटिंग एट हर सर्वेंट सिंस मॉर्निंग, वाई हैज दैट लेडी बीन शाउटिंग एट हर सर्वेंट सिंस मॉर्निंग। अगर यही रहता कि दो घंटे से क्यों चिल्ला रही है, तो फॉर टू आवर्स। तो आपको समझ में आ गया कैसे डब्ल्यू एच फॉर्म में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे डब्ल्यू एच फॉर्म का हम ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, कुछ डब्ल्यू एच फॉर्म होते हैं जिसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे हु जो होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हु के साथ जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसके साथ कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि हु खुद ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। चूंकि ये सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हैव नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा हैज आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हु के साथ, हु खुद ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हु के साथ जब भी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए, तुमको बचपन से कौन गाइड कर रहा है, कौन शब्द आया है, कौन का इंग्लिश होता है हु, तो इसका सेंटेंस हम हु के साथ बनाएंगे कि तुमको बचपन से कौन गाइड कर रहा है। तो हु के साथ हमेशा मैंने क्या बताया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव नहीं आएगा हैज आएगा, तो हु हैज बीन गाइडिंग यू, अगर जो उसको होगा तो हिम लगा देंगे, तो क्या होगा हु हैज बीन गाइडिंग यू सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक डेफिनेट टाइम है, तो उसके साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे सिंस लगाएंगे, तो क्या हो गया हु हैज बीन गाइडिंग हिम या हु हैज बीन गाइडिंग यू सिंस चाइल्डहुड। तो आपको समझ में आ गया कि हु के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, बाकी के साथ आप देख सकते हैं कि वाई हो वेयर हो व्हेन हो उसके साथ सब्जेक्ट आता है, लेकिन जब ने हु का मैंने जब बनाया हुआ है जो स्ट्रक्चर बनाया है तो हु के साथ हैज आया है बीन आया है सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है। पहले भी बताता आ रहा हूं लेकिन बार बार बताता रहूंगा जब भी टेंसेस आपको बताएंगे। अब आ गया डब्ल्यू एच फॉर्म के दो ऐसे होते हैं वर्ड, वो है हुज और विच। हुज मतलब किसका किसकी और विच मतलब कौन सा आ कौन सी। हु जो होता है वो जो है हमेशा जो पर्सन को, पर्सन विथ पजेशन, किसका किसकी क्या होता है किसी भी पर्सन विथ पजेशन हुज के लिए यूज किया जाता है, और विच क्या होता है कौन सा जो प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। तो हुज और विच के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो थोड़ा अलग है। देखिएगा हुज और विच के साथ जब भी सेंटेंस कौन सा, किसका और किसकी के साथ शुरू किया जाता है तो उसके साथ हम सब्जेक्ट नहीं उसके साथ ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। पहले क्या लेके आएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
उसका बीन आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और उसका सिंस ऑफ आर्ट और उसके बाद टाइम हम लगाते हैं। तो आपने देखा इसमें सब्जेक्ट जो है बाद में आता है। तो इस चलिए सेंटेंस उसको बनाते हैं। जैसे आपको बोलना है इतने दिनों से तुम किसकी या कौन सी किताब पढ़ रहे हो। अब इतने दिनों से जब आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर जो इतने दिनों से तुम किसकी, किसी के लिए हुज लगाओगे और कौन सी के लिए लगाओगे, विच लगाओगे। तो एक सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनेगा, हुज अगर जो आपको बोलना है कि तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो इतने दिनों से, क्या होगा, हुज बुक हैव यू बीन रीडिंग फॉर सो मेनी डेज। हुज बुक हैव यू बीन, यू है तो हैव आ गया, तो क्या होगा, हुज बुक हैव यू बीन रीडिंग फॉर सो मेनी डेज। अगर ये होगा कि कौन सी किताब पढ़ोगे तो विच लगा दीजिए, क्या होगा, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग फॉर सो मेनी डेज। फॉर आएगा क्योंकि सो मेनी डेज इनडेफिनिट टाइम है। अगर ये होता कि सवेरे से तो सिंस आ जाता, जनवरी से तो सिंस आ जाता, 2007 से या 2007 से तो वहाँ पे सिंस आ जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर लगेगा क्योंकि इनडेफिनिट टाइम है। तो आपको समझ में आ गया कि हुज और विच के साथ हमेशा जो जब भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो हुज और विच के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद हुज विच ऑब्जेक्ट हैज और हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम हम यूज करते हैं। तो ये हुज और विच के साथ आ गए। अब इसका निगेटिव, जनरली निगेटिव जो डब्ल्यूएच फॉर्म में वाई के साथ यूज किया जाता है, आप और किसी के साथ जो है निगेटिव नहीं यूज कर सकते हो। तो वाई के साथ ही यूज किया जाता है। तो उसका सब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, WH फॉर्म हैजंट हैवंट सब्जेक्ट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। एग्जांपल के लिए कि वो आजकल पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है या कर रहा है, या तुम आजकल पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्या बनाओगे, व्हाई हैजंट शी बीन स्टडिंग नाउडेज, व्हाई हैजंट शी बीन स्टडिंग नाउडेज, और तुम क्यों नहीं कर रहे हो क्या होगा, तो हैवंट हो जाएगा, व्हाई हैवंट यू बीन स्टडिंग नाउडेज। तो ये आपका WH फॉर्म में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एक चीज और बताएं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कभी कभी हम फिनिश्ड एक्शन के लिए भी यूज करते हैं, यानी इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहा था। जैसे आपको बोलना है कि मैं एक बुक पढ़ रहा था और इसमें आपको टाइम शो करना है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, यानी कि पीछे से आप पढ़ रहे थे और अभी अभी जब बोल रहे हो तभी अब खत्म हुआ है, तो क्या बोलोगे, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। आपको बोलना है कि मैं पौधों में पानी डाल रहा था तो क्या बोलोगे, आई हैव बीन वॉटरिंग द प्लांट्स, आई हैव बीन वॉटरिंग द प्लांट्स। तो ये फिनिश्ड एक्शन यानी काम खत्म हो चुका है। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कभी कभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस में हम यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस का पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH फॉर्म में क्वेश्चन बनाना और इसका जो है एक्शन फिनिश के एक्शन में कब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम बिना टाइम के भी यूज करते हैं। कभी कभी आप सेंस बोलने के तरीके से भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आपको बोलना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप जब बोल रहे हो तो काम चल रहा है तो आप बोलोगे आई एम स्टडिंग। लेकिन वही अगर तो बोला है यार मैं पढ़ रहा हूं, यानी आपके बोलने का सेंस ये है कि बहुत देर से पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव बीन स्टडिंग। और मैं पढ़ रहा था तब भी आप बोलोगे आई हैव बीन स्टडिंग। ये डिपेंड करता है कि बोलने वाला किस सेंस में यूज कर रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ऐसा लगा कि अभी आए और अभी आप इंतजार कर रहे हो, तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलोगे आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगर जो आपको शो करना है कि बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो, भले टाइम आप लगाओ या ना लगाओ, जैसे आपको बोलना कि अरे यार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, यानी आपके बोलने से ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, तो उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना पड़ेगा। तब आप बोलोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यानी जहां पर लगा दिया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू,
भले ही लास्ट में टाइम आया नहीं, सिंस ऑफ आर को आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आप ये शो करने की कोशिश करें, यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम फैक्टर और सिंस फॉर नहीं लगाना है, आपको केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल करके ये शो करना है कि काम बहुत देर से चल रहा है, चल रहा था, यानी दोनों सेंस हो गया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत देर से कर रहा हूँ, और इसका सेंस ये भी हो सकता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। देखिए क्या होता है ना कि लिखना और बोलने में अंतर होता है। लिखने में जो दिया गया है आप एग्जैक्टली उसको ट्रांसलेट करोगे, लेकिन बोलने के लिए आपको अपना सेंस, सिचुएशन सबको यूज करना पड़ता है। आप अपने लैंग्वेज से अगले को आप बताना चाहोगे कि आप क्या एक्शन कर रहे हो। जैसे अभी मैंने बताया कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ऐसा बोला कि अभी आप पहुंचे हो, आपने फोन पे बोला कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलोगे, यानी कि बोलते समय वो एक्शन चल रहा है, तो आप बोलोगे आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन बोले अरे यार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, यानी आप शो करने की कोशिश कर रहे हो बहुत देर से कर रहे हो, तो बोलोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो जैसे हिंदी में बोलने का तरीका बदल जाता है, वैसे टेंसेस बदला जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज आपको जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे किया बताएं, अच्छे तरह से बताएं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो अपने लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते समय यूज़ करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो इसी तरह के सेंटेंसेस अपने हिसाब से बनाइए और उसको यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं हमेशा व्हाट्सएप पे या आप मेरे मोबाइल नंबर पे, जो मैं पहले भी दे चुका हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी है, उस पर भी आप मुझे लिख के पूछ सकते हैं। हाँ, अगर जो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।